अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में बहुत जरूरी है कि किसी भी कार्य को करने से पहले आप अपने दिल और दिमाग दोनों को सुने। तो आइए अगले 3 मिनट में जानते हैं वो 9 पॉइंट्स जिसपे इवैल्यूएट करना चाहिए किसी कार्य को उसे करने से पहले। सबसे पहली बात, नॉलेज। क्या आपको पता है जो कार्य आप करने वाले हैं वो उसे करना किस प्रकार से है? क्या आपको पता है कि एक्चुअल में करना ही क्या है? पॉइंट नंबर 2, स्किल्स। क्या आपको पता है कि इस कार्य को करने के लिए आपको किस स्किल की जरूरत होगी, क्या जरूरत होगी अपने स्किल को एनहांस करने के लिए? पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिटी। इस कार्य को करने के बाद आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी या आपकी रिस्पांसिबिलिटी के लिए यह कार्य कितना जरूरी है? पॉइंट नंबर 4, बिलीफ। इसे करने के लिए आप कितना कॉन्फिडेंट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है, इसे करने के बाद आखिर आपको मिलने क्या वाला है? पॉइंट नंबर 5, आपके पीयर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने इसी कार्य को इससे पहले सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है, अगर हाँ तो उनसे मिले और उनसे बात करें। डिसीजन, क्या आपको लगता है कि यह कार्य नहीं करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो आखिर इसे क्यों नहीं करना चाहिए? गोल्स, पॉइंट नंबर 7, इसे किस हद तक करना चाहते हैं आप, क्या आप चाहते हैं कि इसे करने के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाएंगे, इसे करने के बाद आपके काम में क्या बढ़ोतरी होगी या क्या इसे करने की वजह से किसी दूसरे कार्य पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है? इमोशन, पॉइंट नंबर 8, क्या फीलिंग्स है आपकी, आपके फीलिंग्स आपको क्या बोलती है कि क्या ऐसा करने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज होगा, आप क्या चाहते हैं इस कार्य के करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज हो? और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 9, आपके पास इस कार्य को करने के लिए क्या पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, पर्याप्त संसाधन हैं? अगर नहीं तो उसके लिए किन संसाधनों की जरूरत होगी? जी हाँ, इस तरीके से अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी कार्य को सिद्ध करने या कंप्लीट करने से पहले अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने। जय हिंद, वंदे मातरम।